आज यूपी की योगी सरकार ने देश भर के निवेशकों का बड़ा सम्मेलन किया है। इस सम्मेलन में देश भर के उद्योगपति पहुंचे थे। सबने करोड़ों अरबों रुपए का निवेश करने का भरोसा दिया और इसी भरोसे का है 2019 के चुनाव से सीधा नाता भी। पिछले साल यूपी में गुंडाराज बड़ा चुनावी मुद्दा हुआ करता था, लेकिन योगी राज में एनकाउंटर की झड़ी लग गई और अपराधी हाथ जोड़कर जान की भीख मांगते हुए घूम रहे हैं। अगले चुनाव में बीजेपी इसे भुनाएगी और यही है मोदी और योगी का 3C प्लान। सब खुशियां मनाने वाले हैं, 6 दिन आने वाले हैं। 2019 के चुनाव जीतने का 3C प्लान है ये। 3C में पहला सी है क्राइम कंट्रोल, दूसरा करेंसी और तीसरा क्रेडिबिलिटी। इन्हीं 3C के सहारे यूपी में 2019 का चुनाव जीतने की रणनीति बना रही है मोदी और योगी की जोड़ी। मोदी के शब्दों में सबसे पहले क्राइम कंट्रोल के प्लान को समझिए। पहले की स्थितियां क्या थी? भय और असुरक्षा के माहौल में जब सामान्य मानवी उसका जीवन जीना मुश्किल हो जाता है, नेगेटिविटी भरे उस माहौल से राज्य को पॉजिटिविटी की तरफ लाना, हताशा निराशा उससे अलग करके उम्मीद की किरण जगाने का काम योगी सरकार ने किया है। सुना आपने कैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने आज यूपी इन्वेस्टर्स समिट के मंच से एजेंडा साफ कर दिया है। पिछले साल विधानसभा चुनाव में यूपी में गुंडाराज बड़ा मुद्दा था, अब योगी सरकार ने एनकाउंटर पर एनकाउंटर करके कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अब वो बुनियाद तैयार हो चुकी है जिस पर न्यू उत्तर प्रदेश की भव्य और दिव्य इमारत का निर्माण होगा। यानी जब 2019 के चुनाव में बीजेपी उतरेगी तो इस छवि को भुनाने की कोशिश करेगी। अब गुंडागर्दी पर लगाम लगने का नतीजा ये हुआ है कि प्रदेश में निवेश का माहौल बन रहा है, यानी करेंसी की कमी नहीं रहने वाली। अब यूपी में उद्यमियों के लिए रेड टैप नहीं, रेड कार्पेट होगा। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये कि मोदी योगी की क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता एनकाउंटर के जरिए क्राइम कंट्रोल और निवेश के जरिए लोगों की जेब में पैसा भरकर बीजेपी 2019 का चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है। दो हजार उन्नीस जीतने का मोदी का 3C प्लान तो आपने देख लिया है, लेकिन इस बुलेटिन में हम सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उस खबर के बारे में आप दर्शकों की राय को भी इस चुनावी बुलेटिन में हम शामिल करते हैं और इसी वजह से आज का हमारा सवाल है। देखिए आज का हमारा सवाल, इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिए। यूपी में अपराध पर लगाम लगी तो क्या 2019 जीत जाएगी बीजेपी? #2019 कौन जीतेगा के साथ आप फेसबुक और ट्विटर पर अपनी राय हमें भेजें। इसी बुलेटिन में आपकी राय को हम देश को दिखाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए, एक जमाना ऐसा था जब यूपी में कोई निवेश करने को तैयार नहीं होता था क्योंकि वहां पर डर का माहौल रहता था। हाल ये हुआ कि यूपी के युवा नौकरी के लिए महाराष्ट्र और गुजरात का रुख करने लगे, लेकिन योगी सरकार ने निवेश का माहौल बनाया है ताकि यूपी चमके, रोजगार मिले और फिर 2019 में बीजेपी की झोली में वोट बरसे। जियो इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स इन उत्तर प्रदेश विद इन्वेस्टमेंट्स already made of over 20,000 crores. Jio is providing at the lowest price in the world 2 crore citizens of Uttar Pradesh. December 2018, Jio will be present in every single village in Uttar Pradesh. We envisage an aggregate investment of rupees 35,000 crores in the state of Uttar Pradesh in next 5 years. And over the next 5 years, we plan to invest rupees 25,000 crores in our multiple businesses in the state. यूपी को दूसरे राज्यों से नहीं बल्कि दूसरे देशों से कम्पीट करना चाहिए। क्लब महेंद्र विल बी एक्सिक्यूटिंग एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर अ 200 करोड़ इन्वेस्टमेंट। अभी हम लोगों ने हाल ही में उत्तर प्रदेश का बजट 4,28,000 करोड़ का विधानसभा में प्रस्तुत किया था और मुझे प्रसन्नता है कि जो MOU साइन हुए हैं वो 4,28,000 के ही अब तक यहाँ पर साइन भी हुए। यूपी इन्वेस्टर्स समिट में देश के इन बड़े उद्योगपतियों ने जैसे ही अपनी तिजोरियों का मुंह यूपी में निवेश करने के लिए खोला, देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी की जनता को इशारों इशारों में बता दिया अभी तो यूपी में विकास की पार्टी शुरू हुई है। ये झलक
यूपी की शक्ति की है, यूपी की भक्ति की है। यही वो सामर्थ्य है जिसके दम पर उत्तर प्रदेश पूरे देश का ग्रोथ इंजन बन सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूपी की योगी सरकार ने उद्योगपतियों के इस सबसे बड़े सम्मेलन के जरिए यूपी में 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश का जो लक्ष्य रखा था वो पूरा हो गया। योगी सरकार ने 4,28,000 करोड़ के 1,045 करार पर दस्तखत किए हैं। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए इसलिए सबसे ज्यादा अहम राज्य है क्योंकि यहां पर लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। अब 2014 का आंकड़ा क्या कहता है इस बड़ी सी स्क्रीन पर, वो तस्वीर आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे जिसके जरिए आप ये समझ पाएंगे कि बीजेपी अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रही है। आपको बता दें लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यहां पर है। यूपी में लोकसभा की 80 सीट है। 2014 में एनडीए को 73 सीट मिली थी, कांग्रेस को 2 और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी। बीएसपी को तब लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। बीजेपी को 42%, एसपी को 22 और बीएसपी को तब 20% वोट मिले थे। ये देखिए ये आंकड़ा आपके सामने है और इसी वजह से एक बार फिर से 2014 का ही प्रदर्शन 2019 में भी दिखाना चाहती है अपने पूरे दमखम के साथ बीजेपी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।